इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से आ रही है, जहां जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कह दिया कि एनडीए के संपर्क में दूसरे दल के कई विधायक शामिल हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी बातों को सार्वजनिक करने से नुकसान होता है। कौन लोग संपर्क में है, कितने की संख्या में है, सभी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। समय आने पर सभी चीजें स्वयं ही सार्वजनिक हो जाएंगी। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और कई लोग उनको पसंद भी करते हैं, और इसीलिए लोगों ने अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए उन्हें वोट किया। भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। इसी बीच जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा इतनी बड़ी बात कह जाना बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में किसका पल्ला भारी होता है और कौन पीछे रह जाता है। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीजों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। सर, इस बात को की भी पुष्टि करना बहुत मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग खुद खबर लेने वाले लोग हैं, खबर लीजिए। आपके कुछ विधायकों का जो रुझान था वो आपके प्रत्याशी को था, तो मतलब अभी तो आप इसका अर्थ आप लगा लीजिए ना, इसका अर्थ आप लगा लीजिए। देखिए, एनडीए की प्रत्याशी इतनी अच्छी प्रत्याशी थी, एक तो महिला और आदिवासी समाज से, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों का मन होगा उनको वोट देने के लिए। कुछ लोगों ने दल की सीमा के अंतर्गत वोट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया है, तो उसके चलते ऐसी स्थिति है। बाकी इसको लेकर के फ्यूचर पॉलिटिक्स, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है कि क्या है नहीं है। कुछ चीज़ों का अर्थ आपको खुद लगाना चाहिए। जो घटनाएं घट रही है उस पर हम सब लोगों की नज़र है, आप लोग भी नज़र रखिए। आप तो नहीं बोल रहे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब अर्थ तो लगाना आपके जिम्मे है, उसमें हम कैसे रोक देंगे कि क्या आप अर्थ लगा रहे हैं। घटनाएँ क्या घट रही है अभी, आप ही लोग खबर दे रहे हैं, आप लोग खबर दे रहे हैं, उसकी चर्चा आप ही लोग कर रहे हैं। तो बात तो होती ही रही है स्वाभाविक रूप से। विजेंद्र यादव जी हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है, तो कल यही कहा था कि उनकी बात में तो दम है। बीजेपी के एक्स एमपी कह रहे हैं लालच में सरकार चली, इसका अर्थ ही समझ में नहीं आया। अपने ही पार्टी पे और जेडीयू अब क्या बोल रहे हैं, अब उसकी जानकारी हमको ठीक से नहीं है। उस पर क्या मांझी जी थोड़ी थोड़ी दिया नहीं। देखिए, मांझी जी इस तरह के अभियान को याद नहीं दे रहे हैं। आप उनके अभियान को पहले से पलट कर देखिए, तो काफी पहले से इस तरह का स्टेटमेंट या सेम ऐसा ही स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो कुछ नया स्टेटमेंट है ही नहीं, तो इस पर नई बात क्या होगी। देखिए, नित्यानंद राय जी और उनके बीच में क्या बात, इसका तो विवरण वही दे पाएंगे, इसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन ऐसे भी व्यक्तिगत बातचीत कोई दो नेता के बीच होती है, तो नैतिकता तो यही कहती है कि उसको सार्वजनिक रूप से व्यक्त न किया जाए। लेकिन किस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, क्या बात हुई, इस पर हम विश्लेषण तो कर नहीं पाएंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।